अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इस सब्सक्राइब बटन को दबाइए और बाजू में जो घंटे का बटन है उसको भी दबाइए ताकि आपको मेरे हर आने वाले वीडियोस के बारे में पता चले और मजा ले सके। हेलो दोस्तों, तो आज मैं स्नू का नया गेम के बारे में आपको समझाने वाला हूँ। उस गेम का नाम है टर्बो तीन पत्ती। जी हाँ दोस्तों, ये एक बेसिकली कार्ड गेम है। मैं कोशिश करूंगा कि आप अच्छी तरह से समझ जाओ। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो मुझे, मैं उसका जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और आपको इस गेम को कैसे खेलना हो तो आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना होगा, तभी आप समझ पाओगे। दोस्तों, ऐप मास्टर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे मेरा टेलीग्राम चैनल भी है जो डेली एक्टिव रहता है और यहाँ पे डेली नए एप्लीकेशन सबसे पहले मिल जाते हैं। वो लोग भी इस ग्रुप को ज्वाइन किए, वो सभी लोग इस ग्रुप का बेनिफिट ले रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे कोई नई ऐप लॉन्च होती उसी दिन आपको वो नई एप्लीकेशन यहाँ पे मिल जाती है। जो भी पेमेंट प्रूफ मिलता है मुझे, मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। उम्मीद रखता हूँ आप सभी लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है, साथ ही टेलीग्राम ऐप की भी लिंक दी है, तो आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपने सू ऐप को डाउनलोड नहीं किया हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है, आप उस लिंक पर क्लिक करके सू ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और फिर आपको रेफर एंड अर्न पर आपको जाना है। तो अगर आपको साइन अप पे आपको 3 लाख का बोनस चाहिए तो आप रेफर कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आपको स्क्रीन पर भी मिल जाएगा, तो उस रेफर कोड को आप डाल के ये गेम का कैसे खेलना है आपको। और ये गेम फिलहाल अभी शुरू होने वाला है, तो इस गेम का नाम आप देख ही चुके हैं और इस गेम का नाम है सू टर्बो तीन पत्ती। जी हाँ दोस्तों, ये गेम बेसिकली पूरा कार बेस्ड गेम है और जिन लोगों को तीन पत्ती खेलना आता है वो सभी लोगों को पता होगा कि आपको ये गेम कैसे खेलना है। और जो लोग तीन पत्ती खेलना नहीं जानते वो सभी लोग इस वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखते रहे, क्योंकि मुझे भी तीन पत्ती खेलना नहीं आता था, तो मैंने भी थोड़ा गेम खेलकर मैंने समझाया और आप सभी को समझाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल अभी क्लियरली आपको सिंपल तरीके में आपको समझा देता हूँ कि आपको ये गेम कैसे खेलना है। तो यहाँ पर जो आपको बुक वाला आइकन दिख रहा है साइड में, उस आइकन पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों, इस गेम का क्या रूल्स है मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। आपको यहाँ पे 3 कार्ड्स दिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पे पहले 3 कार्ड्स दिए जाएंगे और यहाँ पे इंडिया के साथ आपको नहीं खेलना है दोस्तों। यहाँ पे कंप्यूटर होस्ट यानी इसी गेम का कोई होस्ट यहाँ पे खेलेगा और यहाँ पे आपको तीन पत्ती कैसे करना है यहीं से शुरू होता है। यहाँ पे आपको कार्ड का कॉम्बिनेशन बनाना है और अगर आपका कार्ड में कॉम्बिनेशन कोई भी बनता हो तो आपका यहाँ पे पॉइंट्स ज्यादा मिलने के चांसेस है। पहले आपको कार्ड्स कैसे कॉम्बिनेशन में लाना है मैं अभी आपको समझा देता हूँ। पहला कॉम्बिनेशन तभी बनेगा जब आपके कार्ड्स में 3 इक्के हो, चाहे कोई भी कलर के हो, यहाँ पे 3 इक्के होने चाहिए तभी आपका ये कॉम्बिनेशन बनेगा। और फिर यहाँ पे दूसरा कॉम्बिनेशन का नाम है यहाँ पे स्ट्रेट प्लस, यानी आपको इसमें कैसे कार्ड्स में कॉम्बिनेशन लाना है देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे पहले इक्के को लाना है, यहाँ पे राजा लाना है और यहाँ पे रानी लाना है, और वो तीनों का एक ही कलर में होना चाहिए और तीनों के आकार यानी पतंग के आकार में अगर आपके पत्ते होते हैं इसमें तीनों ही पतंग के आकार में आपके कार्ड्स होने चाहिए तभी आपका स्ट्रेट फ्लश वाला कॉम्बिनेशन बनेगा। यहाँ पे तीसरा वाला कॉम्बिनेशन का नाम है स्ट्रेट, जिसमें आपको इक्का राजा रानी तीनों कार्ड्स रखने ही रखने हैं और इसमें आप कोई भी 3 कलर को इसमें आप कार्ड्स हो सकते हैं तब आपका यहाँ पे कॉम्बिनेशन स्ट्रेट कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनने वाला है। चौथा वाला कॉम्बिनेशन का नाम है फ्लश और इसमें आपको इक्का राजा और जैक रखना है। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको तीनों एक ही कलर के होने चाहिए, कोई भी तीनों एक ही कलर के होने चाहिए तभी आपका यहाँ पे फ्लश वाला कॉम्बिनेशन बनने वाला है। और पांचवा यहाँ पे पैर होने वाला है, तो यहाँ पे आपका कैसे पैर बनने वाला है तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी 2 सेम पत्ते होने चाहिए, यानी कि अगर आपके पास 2 इक्के हैं और तीसरा कोई पैर बन जाता है, यहाँ पे आपके कार्ड्स में 2 पैर बन जाते हैं और उसमें आपका कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो यही था पैर कॉम्बिनेशन। और छठा वाला कॉम्बिनेशन जो कि इसका लास्ट कॉम्बिनेशन है और इसमें आपको कोई भी और इस वाले कॉम्बिनेशन में आपको हाईएस्ट लेना, यानी कि अगर आपके कार्ड्स में इक्का होता है, राजा होता है या जैक होता है तो आपका हाईएस्ट कार्ड बन जाता है और आपको इसमें पॉइंट्स भी डबल यानी तिगुना पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे बात करता हूँ यहाँ पे पहले गेम कैसे खेलता है, मैं अभी आपको गेम खेलकर आपको समझा देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे गेम शुरू हो चुका है और यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक बेट लगाया है। स्टार्टिंग में आपको 15,000 पॉइंट्स दिए जाते हैं और उसमें से आपको बेटिंग लगाना है। जी हाँ दोस्तों, ये बेट करना होता है और मैंने यहाँ पे बेट लगा दिया पहले कार्ड पे, तो यहाँ पे मैंने 1,000 पॉइंट दिया था और यहाँ पे दूसरा मेरी बारी आ चुका है और सामने वाले होस्ट का आप कार्ड देख सकते हो, एक कार्ड यहाँ पे खुल चुका है और आपको वही गेस करना है सामने वाले के यानी कि आपके होस्ट के कार्ड से आपको गेस करना होगा कि आपके पैर बन रहा है या कोई भी एक कॉम्बिनेशन बन रहा हो, तब आपको चेक करना होगा। कार्ड यहाँ पे दिखाई देंगे तो आपके कार्ड देखकर आप गेस कर सकते हो कि आपको बेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और फिर और अगर आप बिना कार्ड गेस किए ही आप यहाँ पे बेट कर देते हो तो अब यहाँ पे आपको 3 पॉइंट्स मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जब आप बेट करते हो तो आप उसका आपको 3 पॉइंट्स मिलेगा जो कि आपको आगे समझ आ जाएगा। यहाँ पे मैं लेवल 1 पूरा खेल लेता हूँ और अभी आपको समझ जाओगे। जैसे ही 3 कार्ड्स खुल जाएंगे तो इसका लेवल 1 पूरा हो जाएगा। यहाँ पर आप 1,000 से 2,000 के बीच में आप यहाँ पे बेटिंग लगा सकते हो, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 1,000 के बेटिंग लगाया ताकि मैं आपको पहले सिंपल वे में आपको समझा सकूं।
सो यहाँ पे मैं जीत चुका हूँ पहला राउंड में। यहाँ पे 4000 पॉइंट्स मेरे को और ऐड हो चुके हैं, जो कि मेरे को स्टार्टिंग में 15000 पॉइंट्स मिले थे, उसमें 4000 पॉइंट्स मैंने और अर्न कर लिए है। और यहाँ पे लेवल 2 स्टार्ट होने वाला है, तो सेम आपको ऐसे ही करना है, सामने वाले का कार्ड्स आपको पहले गेस करना है। स्टार्टिंग में आपको 1000 पॉइंट्स आपको बेट करना ही पड़ेगा, यहाँ पे मिनिमम 1000 पॉइंट आपको बेट करना ही पड़ेगा। और अगर आप बेट नहीं करते तो ये ऑटोमेटिक 1000 पॉइंट काट लेगा, यहाँ पे बेटिंग करनी पड़ता है। और फिर जैसे ही सामने वाले का पहला कार्ड खुलता है, आपको उस कार्ड के ऊपर सोचकर आपको बेटिंग लगाना होगा। आपको इसमें अच्छा स्किल चाहिए, जो भी तीन पत्ती खेलता है, जिसको तीन पत्ती खेलना आता हो वो अच्छी तरह समझता होगा कि इस गेम को कैसे खेलना है। और तो जो लोग तीन पत्ती खेलना नहीं जाते, आप सिंपल वे में आप बस 1000 पॉइंट्स बेटिंग पे लगाइए और सामने वाले के पत्ते पहले गेस कीजिए। सामने वाले के पत्ते के ऊपर ही आप देखकर आप गेसिंग कीजिए कि आपका यहाँ पे बेटिंग कितना होना चाहिए, कितना आप बेटिंग लगा सकते हो, तब आपको उसका पॉइंट्स मिलने वाला है। तो यहाँ पर मैंने 7800 पॉइंट लेवल 2 में अर्न कर लिए, ऐसे में लेवल 5 तक चलता रहूंगा। तो मैं आपको लेवल 5 आपको बता देता हूँ। अगर आप बिना कार्ड को फ्लिप किए, यानी आप तीनों ही कार्ड्स को अगर आप खोल लेते हो, तब आपको एक माइंड सेट कर लेना होगा कि आपके कोई भी पहले आपको चेक करना होगा। सबसे पहले आपका स्टेप यही बनता है, जैसे आप तीनों कार्ड्स को खोल लेते हो तब आपको चेक करना है कि आपके कोई भी कॉम्बिनेशन बनते हैं, तो आपको पहले चेक कर लेना है। कोई भी कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन जाता हो तब आप उसके हिसाब से आप बेटिंग लगा सकते हो। और फिर आपको सामने वाले के पत्ते को भी देखना होगा, अगर सामने वाले के पत्ते में भी कोई कॉम्बिनेशन बनता है तब आप ध्यान रखें, आप कम ही बेटिंग कीजिए, क्योंकि उस गेम में वो सामने वाला जीत जाता है और जो भी पॉइंट्स आपने बेटिंग में लगाए वो सारे पॉइंट्स होस्ट को चले जाते हैं, तब आपका पॉइंट्स कट जाएगा। यहाँ पर मैं फिफ्थ लेवल में जीत चुका हूँ और आप देख सकते हो दोस्तों 4000 पॉइंट्स में जीत चुका हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे लेवल 5 का स्टैटिस्टिक्स आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने पहला माइलस्टोन क्रॉस कर लिया है, जिसमें पहला माइलस्टोन का 1000 रुपए है, दूसरा माइलस्टोन का यहाँ पे 1500 रुपए और तीसरा माइलस्टोन का यहाँ पे 2500 रुपए। जिसमें से आपको पहला माइलस्टोन क्रॉस करने के लिए आपको 20000 पॉइंट्स चाहिए, दूसरा माइलस्टोन क्रॉस करने के लिए आपको 27000 पॉइंट्स चाहिए, तीसरा माइलस्टोन क्रॉस करने के लिए आपको 30000 पॉइंट्स चाहिए। तो जितना ज्यादा अच्छा स्किल लगाओगे टीम पत्ती खेलने में, उतने ही ज्यादा आपके पॉइंट्स बढ़ने वाले हैं। और आपके लक के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कैसे कार्ड्स मिलते हैं, कैसे आपके कॉम्बिनेशन बनते हैं आपके कार्ड में, तब आप ज्यादा अर्न कर पाओगे और पैसे भी जीत पाओगे। यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि आपको तीन पत्ती कैसे खेलना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो, ये गेम खेलने में कुछ समझ नहीं आ रहा हो, तो आप बेझिझक होकर नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसका जल्दी से जल्दी रिप्लाई दे दूंगा। यहाँ पर मैं फिलहाल 1 रुपए जीत चुका हूँ, क्योंकि मैंने पहला माइलस्टोन क्रॉस किया है। अगर मैं दूसरे और तीसरा माइलस्टोन क्रॉस करता तो यहाँ पे चांसेस होते कि मैं ज्यादा जीत सकूँ। फिलहाल मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में एक नया एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो एक लाइक तो जरूर कीजिए, क्योंकि मैं रोजाना सेवा से आपके लिए नए नए एप्लीकेशन वीडियोस लाते रहता हूँ। फिलहाल के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।